एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आप सबको वैसे भी पता है कि हम जा रहे हैं अनु के पास, मम्मा के पास जा रहे हैं। तो बस मैं भी थोड़े दिन वहाँ पर रुकूंगी और फिर आ जाऊंगी। बच्चों को क्रिसमस की छुट्टी लग गई है, सो वहाँ पे जा रही हूँ थोड़े दिन के लिए। वहाँ पे ऑलरेडी मेरी बहन आ चुकी है, तो आपको पता है अनाया को उसी ने साथ लेकर गई थी। तो देखते हैं अनाया का रिएक्शन कैसा होता है। मुझे पता है वो मेरे पास आने से पहले उसके अब्बू के पास जाने वाली है। सो वो तो पहली बात नहीं है, मतलब पहली बार नहीं है, हमेशा यही होता है कि अनाया किसके पास पहले भागती है। जोया बताओ। अब्बू के पास जाती है। सो एज यूजुअल हमारा ड्राइवर है असलम शेख। तो ड्राइवर सही से गाड़ी चलाना, सही से लेके जाना, ठीक है? आपकी बेटी को मिलने की कैसे, मतलब क्या लग रहा है, कैसे एक्साइटेड हो या नहीं हो? बहुत ज्यादा, उसमें पूछने की क्या बात है। एक्साइटेड बोले तो एकदम सबर नहीं हो। इन्होंने तो इतना मिस किया है अनु को, बाप रे बहुत ज्यादा। हम भी सब बहुत मिस कर रहे थे। आप लोगों ने भी कमेंट में सामान लेके आने तक के तुम पहले ऊपर पहुंच जाओगे तो फिर वो तुम्हारे पास ही आएगी। अच्छा, देखते हैं। और कमेंट में भी अनाया को आप सब मिस कर रहे थे व्लॉग में हमारे। सच में हमारा व्लॉग ना उसके बिना थोड़ा सा अधूरा है। जब वो होती है तो हमारा व्लॉग कंप्लीट हो जाता है, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। सो बस हम अभी चलते हैं। और एज यूजुअल आप लोगों ने पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रास्ते से जाते हैं तो हम लोग रुकते हैं वहाँ पर अशोक में और वड़ा पाव और चाय पीते हैं। तो सुबह से मैं भूखी हुई हूँ खाने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसकी चाय और वड़ा पाव। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, रास्ते में हैं। घर से पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज आज जुम्मा था, तो बहुत गड़बड़ होती है आप लोगों को तो पता है। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया और थोड़ा बहुत मेरे प्रमोशंस के भी काम मुझे पेंडिंग थे, वो कंप्लीट करने थे, तो वो कर लिया था और बस निकल गए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी कार में बैठे बैठे एटलीस्ट मैं व्लॉग स्टार्ट करूं और आप लोगों को अपडेट दूं। तो अभी हमारे साथ चलिए और अनु से मिलिए और हमारे साथ वड़ा पाव खाइए, चाय पीजिए, आप लोग भी हमारे फैमिली हो। और जोया जोया कब से देख रही है मुझे, मम्मा कब बोलने देखी है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो जोया आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है माशाल्लाह, एज ऑलवेज। और कुछ बोले, अनु से मिलने की खुशी है? हाँ। जोया भी अभी मतलब बस हो गया, उसको भी अभी अनाया की बहुत याद आ रही थी, है ना? Yes. कुछ बोलना है आपको, बोलो। जब कैमरा ऑन होता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जब कैमरा ऑन होता है तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। स्टार्टिंग में जब व्लॉगिंग में स्टार्ट कर रही थी, आप देख सकते हो बहुत लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया है कि आपकी व्लॉगिंग अभी सुधर चुकी है, बिकॉज मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है आप लोगों से बात करने का। पहले क्या होता था ना, कैमरा ऑन होता था, मैं रील्स वगैरह सब बना लेती थी, लिपसिंग वगैरह, उससे मुझे कुछ नहीं होता था, बट खुद से बात करने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अभी कैसे, अभी तो आप लोग तो मेरे घर वाले ही हो, आप मेरी फैमिली हो, अब तो आप लोगों से बात करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बिंदास आप लोगों से बात कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ चुका है। सो अब चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई है। कार में मुझे थोड़ा सा वो होता है, क्या बोलते हैं, कार सिकनेस होती है मुझे। सो हम पहुँचे हैं MG रोड। क्रिसमस की काफ़ी सारी रौनक है यहाँ पर और मैं यहाँ पर बहुत ऐसे मेरे नज़रें यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, यहाँ देखूँ क्या वहाँ देखूँ, बिकॉज क्या नया कलेक्शन आया है वो मैं देखती हूँ, बिकॉज ये मेरा स्पॉट है ना, बहुत मतलब फेवरेट स्पॉट है शॉपिंग के लिए। सो मैं देखते रहती हूँ। जोया सिर्फ हाय कर रही है आज, उसका मूड नहीं है बिकॉज वो 6 बजे उठी थी, आज स्कूल थी ना, सो वो थोड़ा सा लो फील करती है थोड़ी देर के लिए। अब घर जाएगी तो और एनर्जी आएगी, है ना? तो आप देख सकते हो ट्रैफिक बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। Look,
जहाँ से मैंने लिया था ड्रेस, क्वींसटाउन से काफी बार, बट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, महंगे बहुत रहते हैं, इसलिए मैं कस्टमाइज करती हूँ खुद से ही अब। बाप रे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। कल क्या बोल रही थी तुम? देखो मैं तो ये क्या साइड इस पार्ट में भी है, देखिए क्या बोलते हैं यार मुझे, बुधानी वेफर्स। सो उसके वेफर्स बहुत अच्छे रहते हैं, शाह जी को बहुत पसंद है। और इस साइड भी काफ़ी स्टॉल्स लगते हैं, बट आज कुछ लगे नहीं है, शाम में लगेंगे शायद से। सो ये रही एमजी रोड। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, बिकॉज ये मुझे थोड़ा देखने में पसंद आता है। क्या बोलते हैं, विंडो शॉपिंग करने में मजा आता है ना जोया, विंडो शॉपिंग करने में मजा आता है। तो मेरा विंडो शॉपिंग हो गया, अब मैं सो रही हूँ। टाटा। विंडो शॉपिंग तो हो गई, बट मुझे शॉपिंग करनी है, मेरे 2000 रुपये बचे हैं, तो उसकी शॉपिंग मैं जल्द करूँगी, अब टाइम नहीं है, अब बहुत लेट हो रहा है, अनु वेट कर रही है। सो आज नहीं रुकेंगे, बट वो 2000 की शॉपिंग मैंने क्या क्या की वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और बस आज सुबह से मैं उठी हूँ, आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ, वैसे तो मैं 12-1 बजे उठती हूँ, सुबह फजर की नमाज पढ़कर सोती हूँ तो 12-1 बजे उठती हूँ। और फिर आज तो थोड़ा जल्दी उठी हूँ, मैं 10:30 बजे उठ गई थी, और बिकॉज अनु से मिलने की अलग ही खुशी है। और फिर क्या किया, फिर फ्रेश हुआ, घर के काम किए, और मेरे प्रमोशन थे एक कैलीग्राफी, राइट, कैलीग्राफी एक मेरा प्रमोशन था, आपने अगर स्टोरी पे देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, और मैंने रील्स पे भी अपलोड किया है, बहुत प्यारी कैलीग्राफी की है तैयबा ने, बहुत प्यारा है, आप लोग ज़रूर जाइए उनके पेज पर, मेरे रील्स पर जाइए, मैंने उनका जो नाम पेज है मेंशन किया है। अगर आप लोगों को भी चाहिए वैसी कैलीग्राफी, या फिर अपने हिसाब से आपको कस्टमाइज़ करवाना है, कोई भी कुरानिक आयत हो, कुछ भी आपको करवाना है वो करके देगी। सो मुझे तो बहुत पसंद आई, माशाल्लाह बहुत प्यारा टैलेंट है उस बंदी में। सो आप लोग जाइए और चेक कीजिए। हम उतरे हैं वड़ा पाव खाने के लिए। जोया को पसंद है वड़ा पाव? बहुत ज्यादा, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है गाड़ी की। तुमको पसंद है वड़ा पाव?
अबू की याद नहीं आती ना तुमको? अबे अच्छे हमशा सबको प्यार करते है ना, सब आपको बहुत मिस कर रहे थे, सब बोल रहे थे अनु नहीं है व्लॉग में, अनु नहीं है व्लॉग में, सब बोल रहे थे। अब आ गए अनु, आप मिस कर रहे थे। चलो अब थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, ठीक है। सो हम घर आ चुके हैं, हैंड वॉश किया, ये देखो अब्बू की खातिरदारी में लगी है ये मैडम हमारे। कितने मेरे पैर दुख रहे थे मालूम, मैं आ रही हूं, मम्मी को बोल रहा मेरे बहुत पैर दुख रहे तो दबाई ने मैंने, दबाया तुमने, लेकिन बच्ची का हाथ लगा तो ज्यादा अलग ही सुकून है। अच्छा अनु देखो पूरा दर्द भाग गया मेरा। सबको बोलो, चलो सबको बोलो ये सब मिस कर लेते आपका। मिस किया तुम अब्बू को? कितना मिस किया, कितना मिस किया नु? बहुत ज्यादा किया। कितना मस्ती की आपने इधर, नानी को कितना सद्दा है? हाँ थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा सद्दा है, लेकिन सद्दा है ना। अनु आप ही क्या बोल रहे हैं, आपको आप ही क्या बोल रहे, देखो अनु आप ही क्या बोल रहे हैं, है ना, बात भी नहीं कर रही ना, बस शानी है वो। अब रात में मेरे तिल, तुम तिल को याद करो, फिर मैं देती थी क्या, देखो। नहीं बोलना, अब्बू को बहुत दिनों के बाद मिले ना, तो हमको भी बहुत दिन के बाद ही मिली है। मम्मी को आते मम्मा के पास, आते आते मम्मा के पास। कि अब्बू जाएंगे करके वो अब्बू को नहीं छोड़ रही है, समझे? उसका जवाब दो पहले, पहले जवाब दो, क्या बोल रहे आप ही ने मिस किया, मिस किया आप ही को, कितना किया, इतना इतना, और मामा को कितना किया, इतना 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 इतना, कितना किया, ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। सो फिर हम मिलेंगे डिनर पे, अब थोड़ी मस्ती करेंगे अनु के साथ, है ना। चलो मैडम ने मुझ पे प्रैंक किया है, अभी दिखाओ क्या प्रैंक किया तुमने मुझ पे। तो एक करेला लेके घूम रही है, और मैं एकदम से देखी तो डर गई, मैं डर गई मैं अनु। दिखाओ क्या, किसने ये आइडिया दिया तुमको, बता। क्या ये रैट है? नहीं। फिर करेला। अच्छा चलो, आज का व्लॉग सबको पसंद आएगा, आप आ गए ना इसमें, है ना, सब मिस कर रहे थे आपको। चलो जाओ खेलो। तो ये रहे मेरे मम्मा, वो नमाज पढ़ रहे थे ना, इसलिए नहीं मिलाई। और कैसे लग रहा है, कुछ बोलेंगे मामा? क्या बोलो, कुछ भी बोलो, रुक जरा मैं कुछ चाय पीने, सर दुख रहा है। अल्लाह बेटी आई, और देखो इनको चाय पीने का है, और सर दुख रहा है इनका। हाँ बड़ी बेटी आई इसलिए सर दुख रहा तुम्हारा। फिर नाना बोलते थे ना, मेरी बड़ी बेटी आई ना घर भरे जैसा लगता, वही समझ। क्यों बात कर रहे, तो मैं आने के बाद तुम्हारा घर भरा भरा लग रहा है ना, वही याद आया। इमोशनल मत हो तुम। नानी चिल्लाते थे, बोलते थे अरे वो दोनों बेटियां का गुस्सा आएगा, समझ बोलो सना, तेरे को गुस्सा आ रहा क्या? नहीं यार।
मैं भी तो बेसब्री से इंतजार करते रहती कब तुमसे मिलूंगी कब तुमसे मिलूंगी। मेरे को अच्छा लग से आ रहा है ऐसा घूमने के नाना। हाँ बोलने के बड़ी कैसे हो मजा नाना को बहुत मिस करते मम्मा। वो भी नाना के बहुत लड़के थे और मैं भी मेरे अब्बू की बहुत लड़की हूँ। ये बच्चे लोग बहुत शोर कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो करेला घूम रहा है सब जगह आज। आओ इधर इधर आओ पीछे। चलो जाओ अभी हम माँ बेटी को मिलने दो। और क्या क्या हो? हमने चाय पिए वड़ा पाव खाए मस्त अशोक में। अच्छा तुमको मालूम है ना यहाँ पे आऊंगी और वो नहीं खाऊंगी तो मजा नहीं आता। और जोया अपने दोनों को देख देख के चल रही है वहाँ पे। आ जाओ तुम भी आ जाओ आ सकती हो तुम भी आओ मेरे मम्मा ये। सो मम्मी ऐसे ही इमोशनल हो जाते हैं बिकॉज उनको अपने पहले के दिन याद आ जाते हैं। वो भी अपने घर की बड़ी बेटी थी और अब मैं भी अपने घर की बड़ी बेटी हूँ। एक्चुअली भैया बड़ा है बट मैं बेटियों में बड़ी हूँ तो मैं आने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है मेरी बातें वगैरह। चिल्ला पुकार मेरा बहुत ज़्यादा रहता है। मैं सबको चिल्लाती हूँ आवाज़ करती हूँ बातें करती हूँ हंसती हूँ खेलती हूँ बस मेरा यही चलते रहता है। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हमारा घर ऐसे अभी आवाज़ आ रहा है हमारे घर में अभी रौनक आ गई है। सो डिनर का टाइम आ गया। डिनर मैं वहाँ से ही लेकर आई थी। शौर्जी ने एक दिन पहले ही ऑर्डर दे दिया था नली निहारी स्टार्टर और रोटी राइस घर में बनाया था। सो यहाँ पर मेरे अब्बा जो है सैलेड कट कर रहे हैं एज़ यूजुअल। वो हमेशा से ही हमको फ्रूट्स और सैलेड कट करके देते हैं जब भी हम खाना खाते हैं उससे पहले या फिर हम लोग खाना खाने स्टार्ट करते तब फ्रेश वो कट करके देते हैं। और अब्बा का खाना हो चुका है वो 8 बजे ही खाते हैं बिकॉज़ उनकी दवाई लेनी पड़ती है उन्हें। सो उनका खाना हो चुका है और प्लीज़ मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिए मेरे अम्मी अब्बा के लिए ख़ास करके उनको दुआओं में याद रखिए। और जोया देखिए यहाँ पर सैलेड का मज़ा ले रही है और शौर्जी खाना खा रहे हैं। सो इस तरह से हमारा आज का दिन रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत जल्द आऊँगी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।